सुशांत सिंह राजपूत केस में परिवार और गर्लफ्रेंड एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, वहीं वीडियो दिखाए जा रहे हैं, पुराने मैसेजेस भी सामने लाए जा रहे हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर 11 अगस्त को सुनवाई होनी है। ऐसे में कल सुशांत के पिता और महाराष्ट्र सरकार ने अपना अपना पक्ष कोर्ट में दाखिल किया। सुशांत केस में मिस्ट्री अब दो राज्यों की सरकारों के बीच पिस रही है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया, जिसमें सीबीआई जांच का विरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार ने सील बंद लिफाफे में जांच की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि इस मामले में बिहार सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर काम किया। बिहार सरकार के पास केवल 0 FIR दर्ज करने का अधिकार था, उन्हें FIR दर्ज कर हमारे पास भेजना चाहिए था। जब जांच ही गैर कानूनी है तो बिहार सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कैसे कर सकती है? केंद्र ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश मानकर गलत किया। ऐसा है कि अभी हमारा मुंबई पुलिस बड़े प्रोफेशनल तरीके से, बड़े सही तरीके से उसकी जांच कर रही है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे। वहीं सुशांत सिंह के पिता केके सिंह ने भी रिया चक्रवर्ती की ट्रांसफर याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सुशांत के पिता ने कहा है कि जब रिया ने पहले सीबीआई जांच की गुहार लगाई थी तो अब विरोध क्यों कर रही है। केके सिंह ने रिया पर सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी पर दबाव बनाने का आरोप लगाया, वहीं कहा कि रिया की याचिका में कोई मेरिट नहीं है, लिहाजा इसे खारिज किया जाए। केके सिंह ने रिया पर गवाहों को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया। आज के दिन में कहना कि भाई जुरिडिक्शन प्री मैच्योर है नहीं है, एक तो पहली बार ट्रांसफर पिटीशन में वो क्वेश्चन तो मांग नहीं सकते, और जो ट्रांसफर मांग भी रहे हैं ये कहते हुए ये भी बहुत ही गलत बेसिस पे है, क्योंकि सीआरपीसी पूरा का पूरा बताता है कि बहुत सारी जगह का जुरिडिक्शन बन सकता है, तो वो जब तक वो देखेंगे और कुछ कॉल करते रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि जुरिडिक्शन कहां का है। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस से सुशांत का केस मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए याचिका दायर की थी, जिसके जवाब में केके सिंह ने हलफनामा दायर किया है। अब 11 सितंबर को मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। एक और बिहार सरकार, बिहार पुलिस और खुद सुशांत के पिता सीबीआई जांच पर जोर दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार और रिया चक्रवर्ती का कहना है कि फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं 11 तारीख को शंखनाद होना है सुप्रीम कोर्ट में, कि आखिर ये युद्ध किस तरफ जाएगा और किसकी सिफारिशें मानी जाएंगी। उधर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी की सख्ती भी जारी है। आज लगातार दूसरे दिन रिया के भाई शोविक को ईडी ऑफिस बुलाया गया, जहां उनसे लंबी पूछताछ हुई। वहीं कल रिया से भी 8 घंटे पूछताछ हुई थी, जिन्हें दोबारा भी बुलाया जा सकता है। दिल्ली से निशा माथुर, मनीष पांडे, हिमांशु मिश्रा और मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।